सुप्रभात। आज हम सीखेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब है कि एक जैसे कई शब्द। तो आइए अब हम देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द कैसे होते हैं। यह चित्र देखिए, इस चित्र में बारिश हो रही है। एक बच्चा कह रहा है बहुत तेज वर्षा हो रही है। दूसरा कह रहा है हाँ बारिश बहुत तेज हो रही है। इसमें वर्षा और बारिश का अर्थ एक ही है। अब आप इस चित्र को देखिए, सूर्य निकल आया है, सूरज निकल आया है। अब इसमें सूर्य और सूरज एक ही हैं। बगीचे में फूल खिले हैं, बगीचे में पुष्प खिले हैं। फूल और पुष्प का अर्थ एक ही है। अनिल मेरा दोस्त है, अनिल मेरा मित्र है। तो दोस्त और मित्र भी एक ही हैं। आज पाठशाला की छुट्टी है, आज विद्यालय की छुट्टी है। तो पाठशाला और विद्यालय एक ही हैं। सूर्य सूरज, फूल पुष्प, दोस्त मित्र, पाठशाला विद्यालय। पर्यायवाची शब्द, यहाँ पर इन सभी का अर्थ आपने जाना कि एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब हम यहाँ जानेंगे कुछ और पर्यायवाची शब्दों के बारे में। सुबह सवेरा प्रातः, हम सुबह को सवेरा और प्रातः भी कहते हैं। वर्षा बारिश बरसात, स्त्री औरत महिला, सागर समुद्र सिंधु, हम इन्हें इन नामों से भी जानते हैं। हाथी हस्ती गज, चंद्रमा चांद शशि, पानी जल नीर, पृथ्वी धरती धरा, प्रभु ईश्वर भगवान, हम इन्हें इन नामों से भी जानते हैं। आंख नेत्र नयन, हवा पवन वायु, पहाड़ पर्वत शैल, बादल मेघ घन, बगीचा वाटिका उपवन, जंगल वन कानन, माता माँ मैया। आप अपनी मम्मा को कई नामों से पुकारते हैं ना, तो एक जैसे अर्थ होते हैं इनके। संसार जग जगत, कमल पंकज जलज,